हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी के चैनल पीएस स्टडी पर स्वागत है फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ एक खुशखबरी आप सभी के लिए। खुशखबरी क्या है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्वायरमेंट 2023, यानी दिल्ली पुलिस की नई भर्तियां आ चुकी हैं 2023 में। फ्रेंड्स, आपको सारी जानकारी देंगे, ये भर्ती कब आ रही है, इसमें कितनी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, और आपको क्या क्या योग्यता चाहिए होगी, आपकी कट ऑफ कितनी जाती है, आपके फिजिकल में क्या आता है, आपके एग्जाम रिटन एग्जाम में क्या आता है, सारी जानकारी आपको देंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, ये मैं आपसे आशा करती हूँ और आप मेरी आशा पर खरे उतरेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्वायरमेंट 2023। इस चैनल पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलता है, हर राज्य का और हर नौकरी का, चाहे वो वनडे एग्जाम नौकरी हो, चाहे फिर वो कोई स्टेट एग्जाम हो या फिर सेंट्रल एग्जाम हो, ठीक है, तो हर एक अपडेट आपको मिलता है इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लेंगे। 14 अप्रैल 2023 आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो आप सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आपके ये तीन यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं, डाउट डिमांड एंड सजेशन। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी डिमांड है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे, आपके लिए कमेंट सेशन ओपन है फ्रेंड्स, ओके। चलिए बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट कितनी है दिल्ली पुलिस में। फ्रेंड्स, ये जो आपको मौका मिल रहा है इस साल, ये मौका हर साल नहीं आता है और हर साल नहीं आएगा, न आया है और नहीं आएगा, क्योंकि आजकल क्या हो गया है फ्रेंड्स कि सब कुछ चुनावों का फंडा हो गया है, ठीक है, यानी चुनाव है तो सब कुछ है, चुनाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 5 साल में चुनाव आते हैं, कोई एक सरकार की बात नहीं कर रही मैं, सरकार कोई भी हो, सभी का फंडा हो गया है चुनाव का भाई, है ना। तो चुनाव के टाइम पर जितनी वैकेंसी आती है वो कभी नहीं आती है। 2023 में यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस की देखा आपने, एसएससी जीडी में कितनी ज्यादा पोस्ट बढ़ चुकी हैं, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस सीपीयू, ठीक है, ये वैकेंसी आ चुकी हैं। बिहार में वैकेंसी आ गई है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, बिहार में शिक्षक भर्तियां आ चुकी हैं, बिहार में राजस्व विभाग में भर्तियां आ रही है। फ्रेंड्स, भर भर की भर्तियां हैं, आप इस साल नौकरी ले सकते हो तो ले लो, अदरवाइज तो आप भूल ही जाना, ठीक है, तो कोशिश करो इसी साल नौकरी लेने की, क्योंकि इतनी सारी भर्तियां हैं, किसी न किसी में तो आपको सिलेक्ट होना ही होगा इस वर्ष, अगर इस वर्ष नहीं तो फिर भूल जाओ आप कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, क्योंकि फिर आप ओवर एज हो चुके होगे। दूसरी बात है, आगे क्या होगा किसी ने नहीं जाना। एक साल में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मतलब मशीनें ज्यादा बढ़ रही हैं और जो लोगों का उपयोग है वो लोगों की आवश्यकता बहुत कम हो गई है, ठीक है, तो इस बार कोशिश करो अपनी सरकारी नौकरी लेने की और अपनी अपने भविष्य को थोड़ा सा उज्जवल बनाओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस, टोटल पोस्ट है इसमें 7,547 टोटल पोस्ट है। मेल के लिए 5,056 पोस्ट है, फीमेल के लिए 2,491 पोस्ट है। एज लिमिट क्या है? 18 से 25 वर्ष, ये जनरल के लिए एज लिमिट है 18 से 25। एज रिलैक्सेशन किस किस को है? ओबीसी को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर 12th पास होना जरूरी है। क्या है? 12th पास होना, प्लस आप यहाँ पर लिख लेंगे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, किसका? हैवी मोटर व्हीकल वाला, ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल वाला आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। अप्लाई डेट क्या है? 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 1 सितंबर को ये फॉर्म आ जाएगा कि भाई आप फॉर्म फिल कर दो। तो डेट कब आ रही है फॉर्म फिल करने की? 1 सितंबर को, ज्यादा दिन नहीं बचे, अप्रैल, मिड अप्रैल आ चुका है, मई जून जुलाई अगस्त,
ठीक है, सितंबर को फॉर्म आ जाएंगे, तो मई जून जुलाई अगस्त आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अपनी तैयारी अच्छे से कर लो, ताकि जैसे ही फॉर्म आए वैसे ही भर के एग्जाम आए, क्वालिफाई करके भाई अपनी ट्रेनिंग पे चले जाओ, ठीक है। चलिए हो गया अप्लाई डेट यहाँ पर, अब एग्जाम डेट कब होगी, तो प्री फिक्स है ये, यानी पहले से ही फिक्स है एग्जाम डेट, नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। खिंच के दिसंबर यानी नवंबर में ही हो जाएगा, अगर ज्यादा खिंचा तो फिर दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। ओके फ्रेंड्स, तो टोटल पोस्ट मेल के लिए कितनी, फीमेल के लिए कितनी, एज लिमिट क्या है, एज रिलैक्सेशन किस किस को है यहाँ पर, क्वालिफिकेशन यहाँ पर, अप्लाई डेट और एग्जाम डेट। ओके, ये हो गई हमारे फैक्ट की बात है, क्या क्या हमें चाहिए होगा। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा फ्रेंड्स। देखो, सबसे पहले आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम देने के बाद आप क्वालिफाई करोगे, तो आपको पीईटी पीएसटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा। उसी के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी एक ही दिन हो जाते हैं ये, पीईटी भी हो जाएगा जिसमें आपकी रनिंग होगी, पीएसटी इसमें रनिंग होगी और लॉन्ग जंप हाई जंप होगी, पीएसटी में आपकी चेस्ट वगैरह और आपकी हाइट वगैरह मेजर होगी, ठीक है। इसमें वेट का कोई इशू नहीं है, जैसे एसएससी जीडी में है कि आपका इतने वेट के अकॉर्डिंग ही आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, सॉरी हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन हो जाएंगे, फिर आपका थर्ड मेडिकल हो जाएगा, फाइनल लिस्ट लग जाएगी, आप ट्रेनिंग पर चले जाओगे। क्लियर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम सिलेबस की, क्योंकि हमने सिलेक्शन प्रोसेस देखा, तो रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, 90 मिनट का समय होगा, नेगेटिव 1/4 होगी, ठीक है। अब जीके से, जीके जीएस से पहला है सब्जेक्ट जीके जीएस, उससे कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, कितने, 50। फिर दूसरा है मैथ्स से 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी अलग अलग है, जैसे होता है ना सभी में 100 क्वेश्चन है तो 25-25, ऐसा नहीं है। इसमें जीके जीएस का सबसे ज्यादा वेटेज है, तो आपको जीके जीएस पे फोकस करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट ये सब ले रहा है और बाकी सब्जेक्ट ये सब ले रहे हैं, हालांकि जीके जीएस कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस, सब कुछ उसमें ऐड है, लेकिन फिर भी जीके जीएस का सबसे ज्यादा वेटेज है 50 क्वेश्चंस का। मैथ्स से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसमें अच्छा वेटेज कर लेते हो ना, और इनमें थोड़ा बहुत जैसे 5-5 या 7-7 मार्क्स भी ले आते हो ना, जैसे इसमें 25 का है तो 10 मार्क्स ले आए, इसमें 15 का है तो आप 8 मार्क्स ले आए, 7 मार्क्स ले आए, ये 5 मार्क्स ले आए इसमें, तब भी आपका हो जाता है। ओके, फिजिकल पीईटी पीएसटी की बात कर लेते हैं, हमने रिटन एग्जाम देख लिया, अब पीईटी पीएसटी की बात करते हैं। फिजिकल में क्या क्या होगा, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, आपको क्या क्या करना होगा फिजिकल में। पहला है हाइट, इधर मेल लिखा है, फीमेल लिखा है, ये हाइट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप लिखा है, क्लियर हो गया। तो हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की, फीमेल की 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं है, रनिंग 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, 1.6 किलोमीटर कितने मिनट में है, 6 मिनट में। मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रनिंग क्या है, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में, लॉन्ग जंप है 14 फिट मेल के लिए और फीमेल के लिए 10 फिट, और यहाँ पर हाई जंप है 3 फिट 9 इंच मेल के लिए, 3 फिट फीमेल के लिए। ओके, तो अभी से आपको फिजिकल की तैयारी कर देनी है, वेट नहीं करना है कि अभी तो फॉर्म आएंगे, फिर हम फॉर्म फिल करेंगे, फिर हम रिटन एग्जाम देंगे, उसके बाद हम पीईटी देंगे अपना, ठीक है। तो वेट नहीं करना है, जो ये लॉन्ग जंप हाई जंप है ना, ये पूरे पैरों को तोड़ के डाल देती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ आपको कि जब मैंने यूपी सॉरी दिल्ली पुलिस का फिजिकल दिया था, उस टाइम पर सबसे ज्यादा हालत इन दोनों ने खराब करी थी मेरी, लॉन्ग भी हो गई थी लेकिन हाई नहीं हो पा रही थी मुझसे, है ना, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे कर ही दिया, मैंने कोई और टेक्निक अपनाई जिससे कि क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। तो आपको भी वही करना है, अभी से अपनी प्रैक्टिस करनी है ताकि बाद में आपकी बॉडी पर प्रेशर ना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये सब हो गया, अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं इधर लिख देती हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपकी टेंथ की मार्कशीट, टेंथ मार्कशीट, ओके। तो मार्कशीट आपको टेंथ की चाहिए और इसका सर्टिफिकेट, ओके सर्टिफिकेट। फिर हम दूसरा बात कर लेते हैं आपको टेंथ और ट्वेल्थ की, सेम आपको ट्वेल्थ की चाहिए, ठीक है। ये आपका ट्वेल्थ का हो गया, टेंथ ट्वेल्थ की मार्कशीट। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप मतलब किसी और कास्ट से हैं, एसटी एससी और या फिर ईडब्ल्यूएस, उससे तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डीएल। डीएल कौन सा चाहिए आपको? हैवी मोटर व्हीकल वाला, ठीक है, चार वाहन वाला। फिर है डोमिसाइल, क्या है? डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल है आपका। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका क्या है? फोटोज। इतनी चीज आपको चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए, इतना होना चाहिए। टेंथ की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ का कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पर डोमिसाइल, ठीक है, और फोटोज। और जो डीएल होगा ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपका होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल वाला। ओके फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब मैं कट ऑफ और बता देती हूँ आपको, ये हो गया हमारा। अब कट ऑफ क्या जाएगी इसकी, वो और देख लेते हैं। कट ऑफ क्या जाने वाली है इसकी, तो जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हमें इतने नंबर लाने हैं। जब कट ऑफ हमें पता होता है तो हमारे लिए इजीली होता है एग्जाम को क्वालिफाई करना, कि अगर हम पे नहीं भी आ रहा है तो चलो यार इतना तो कर ही दो कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पर मेल, ठीक है, ये हो गए मेल, यू आर यानी जनरल, फिर हो गए ईडब्ल्यूएस, उसके बाद हो गए ओबीसी, उसके बाद यहाँ पर एससी और एसटी, ओके। जो जनरल की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर वो गई थी 72, कितनी? 72, इसे हम डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं, तो 72 गई थी फ्रेंड्स, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की गई थी 62, वहीं पर ओबीसी की बात करूं तो ये गई थी 68, ओबीसी की ज्यादा गई थी, ईडब्ल्यूएस की कम गई थी। एससी की गई थी 57 और एससी की गई थी 65, ओके फ्रेंड्स। चलिए अब हम यहां पर फीमेल की बात कर लेते हैं, ये मेल की कट ऑफ हो गई, यहां पर मैं लिख देती हूं कट ऑफ, ठीक है। अब यहां पर फीमेल की लिख लेते हैं, फीमेल, फीमेल में वही जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। जनरल की कितनी गई थी, तो देखो लास्ट ईयर जो जनरल की कट ऑफ गई थी मेल्स की, सॉरी फीमेल्स की, वो गई थी 56, कितनी? 56 गई थी। ओबीसी की गई थी 53, वहीं पर ईडब्ल्यूएस की गई थी 45, ओके, और यहां पर गई थी एससी की 45, एससी की भी 45, ईडब्ल्यूएस की 45, एसटी की गई थी 41 to 43 के बीच में, ओके फ्रेंड्स। तो ये हो जाती है आपकी कट ऑफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी क्वालिफिकेशन, सब कुछ आपको मिल चुका है। चलिए अब और कोई आपका डाउट, डिमांड, सजेशन हो फ्रेंड्स, कमेंट सेशन में कमेंट कर देना। आई होप आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही होगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।